जान, जान वापस आ जाओ जान। मम्मी, मेरी मम्मी नहीं है। आज इनकी हालत देखो, आ जाओ जा। मैं कहाँ जाऊँ? कि कैसे भी मेरे दिल से उनकी यादें मिट जाए, जो वक्त लगेगा। 376 तो मैसूर का केस है ना, नॉन अवेलेबल। तो आज कोर्ट का ऑर्डर आया कि यहाँ की पीसी ख़त्म हुई है, तो वहाँ पे रिमांड में आदिल को धारा 376 में लेकर गए हैं। बहुत सारी 420, बहुत सारे 4-5 केस है मैसूर से, जो वहाँ से भाग के यहाँ मुंबई में आ गए थे। शादी से पहले मुझे सब कुछ पता ही नहीं था। कोई भी औरत, कोई भी इंसान जानबूझ के कभी भी कुएं में नहीं गिरता, अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं करता। आज मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, और मुझे इतने करीब से, मेरी सिर्फ ये एक फ्रेंड है मेरी, इतने जाना है, इतने करीब से कि आप दुनिया देश को मैं अपनी जर्नी बता नहीं सकती हूँ कि ये 8 महीने मैंने क्या गुजारे हैं। सब कहते हैं ओ माय गॉड राखी सावंत, तुम्हें बॉडीगार्ड की क्या ज़रूरत है, ओ माय गॉड राखी सावंत तुम इतनी स्ट्रांग हो। एंड ऑफ द डे मैं हूँ स्ट्रांग फिल्मों में बाहर, लेकिन जहाँ मेरे शादी का मामला आया, जहाँ मेरा थोड़ा सा माइक नीचे रखेंगे, जहाँ मेरा शादी का मामला आया, जहाँ मेरा प्रॉब्लम आया, शैतान ने पूरा मेरी ज़िंदगी की वाट लगा दी, पूरी ज़िंदगी की। ना सोच पा रही हूँ, ना उठ पा रही हूँ, ना कुछ कर पा रही हूँ। ज़िंदगी की पटरी, शादी हुई थी तो इतनी खुश थी मैं, ऐसा लगा था कि अब मेरी शादी हो गई, मेरा पति है, मेरा बच्चा हो जाएगा, पहला रमजान में रोजे रखूंगी, उमरा जाऊंगी, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा संसार। लेकिन जिंदगी को पता नहीं क्या मंजूर है, प्यार बार बार नहीं होता, बार बार प्यार नहीं होता, बार बार घर नहीं बसता और टूट जाती है। मैं टूट गई, सूझ नहीं रहा मुझे कुछ भी। आज मैंने उनको कोर्ट में देखा, आदिल को, मुझे एटीट्यूड दिखा रहे थे, कहते हैं कि तिहाड़ जेल में अब मैं बहुत बड़े बड़े डॉनों से मिला हूँ। कहते आप सोच लो आपको क्या करना है। हाँ, पूरा धमकी था। आपने तो उसे कहा नहीं, आपको धमकियाँ मिल रही है जेल से। मैंने मेरे एडवोकेट को बोला मैंने, बोला उसको देने दे धमकी, क्या करेगा वो, जिनसे मिला है तो वो भी तो अंदर ही है ना, बाहर तो नहीं है ना। और मुझे बोला कि एक बार भी नहीं बोला मैं सुधर जाऊंगा, मैं कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं मारूंगा। राखी ने बहुत कोशिश की थी, बहुत कोशिश की अपना घर बचाने की, बहुत ज्यादा कोशिश की, और आज देखो कहां से कहां आ गए।